top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. तो जल्दी ही उनके साथ मीटिंग करके मैं उनसे बात करने वाला हूँ और रेलवे ओवरब्रिज की संख्या को इस 5 से 4 5 3 4 साल में हम ख़त्म करना चाहते हैं जो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो 10,000 PCOs पहले अभी 25,000 PCOs के ऊपर फोर लेन करते थे, अब 10,000 के ऊपर हमने फोर लेन करने का निर्णय किया, तो फोर लेनिंग के काम भी जोरों में शुरू हुए हैं और कहीं भी हम लोग 2 लेन पेव शोल्डर के कम नहीं होंगे। तो रोड की क्वालिटी को सुधारना, रोड के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स है उसको सुधारना, रोड कंस्ट्रक्शन में सुधारना और रोड इंजीनियरिंग में सुधारना, इस बात पर हम जोरों में काम कर रहे हैं। रोड इंजीनियरिंग में अनेक जगह पर रेलवे ओवर आरओबी चाहिए, रेलवे ओवरब्रिजेस चाहिए, अंडरपास चाहिए और इसमें बहुत सी कमियाँ हैं और मैं उस कमियों को स्वीकारता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट एक्सपोज होता है तो होना चाहिए, मैं कोई उसको छुपाने की बात कभी करता नहीं हूँ, मैं करना चाहता हूँ। अगर गलती है तो उसको मीडिया भी लिखना चाहिए और बाहर भी आना चाहिए ताकि हमारे आँखें खुल जाए। तो आज ऐसी स्थिति है कि हमारे देश में ये जो एक्सीडेंट्स बड़े प्रमाण पर बढ़ रहे हैं इसमें रोड इंजीनियरिंग भी कारणीभूत है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी प्रॉब्लम है, रोड इंजीनियरिंग में भी प्रॉब्लम है। मैंने भी निर्णय किया है कि नए ट्रक जब बनेंगे तो उसकी केबिन एयर कंडीशन रहेगी। जो ड्राइवर 15-15, 16-16 घंटे वो काम करता है बेचारा, आप हवाई जहाज को नहीं कर सकते पर वो नहीं चला सकता पायलट, पर ड्राइवर चलाता है और 47-48 डिग्री में चलाता है, उसकी क्या हालत होगी, उसका मानसिक संतुलन कैसे होगा, उसकी शारीरिक स्थिति क्या होगी। तो हमने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, हमको भी उसके बारे में सोचना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ऐसी स्थिति है कि आप लोगों को ही पता है कि कंडक्टर जो होते हैं आपके ट्रक पर वो इलीगली गाड़ी चलाते हैं और वही ड्राइविंग सीख जाते हैं वहाँ और बाद में उसको आप ड्राइवर करके अपॉइंट करते हो। देश में 22% ड्राइवरों की कमी है और 30% लाइसेंसेस बोगस हैं, कोई RTO में जाकर लाइसेंस नहीं लेता। और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारे सिस्टम में सुधार करेंगे और इसलिए नए मोटर व्हीकल एक्ट हुआ हमने इम्प्लीमेंट